जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग का है यात्रा करने का पांचवा दिन और हम लोग दोस्तों अभी निकल चुके हैं सुबह सुबह 7 बजे मोरलिंग पे। और ये देखिए सुबह अभी निकल रहा है और आज यानी कि हम लोग रुके हुए थे रेणुकूट में और अभी हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं अपनी यात्रा पे और प्रभु श्री राम के पास। तो दोस्तों हम लोग चलिए चलते हैं। कल तो बहुत ज़्यादा यानी कि जंगल का सामना करना पड़ा, इसी वजह से रात में भी रुकना पड़ा क्योंकि यहाँ पे जंगल बहुत लंबा पड़ा था। तो चलिए दोस्तों अभी चाय वगैरह सब कुछ पी लिए हैं और निकल रहे हैं और कहीं पे तो गाइस अभी भैया जी यहाँ पे चाय जाने के लिए बुला रहे हैं तो चले जाते हैं। तो इसे अभी एक बार चाय पी चुके हैं, चले चलते हैं और दिखाते हैं क्या सीन है यहाँ का। तो गाइस यार उत्तर प्रदेश में आप तो देखे होंगे हम लोग तरफ जो टट्ठी रहता है दिया जलाने के लिए उसमें इधर चाय दिया जाता है। एक ऐसा है दोस्तों जो मिट्टी के रहता है, तो उसमें थोड़ा सा फोटो दिखाऊंगा सोच रहा था लेकिन नहीं खींचा। और अभी फिलहाल हम लोग दोस्त से मिल गए हैं, रायगढ़ वाले दोस्त से, उसी के साथ 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 में जा रहे हैं। अरे देखिए हम लोग छत्तीसगढ़ को कब का छोड़ चुके हैं, अभी यानी कि आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। तो गाइस हम लोग इस पहाड़ी से वादी से निकल रहे थे तो यहाँ पे मोर देखने के लिए मिला और अभी हम लोग यहाँ पे यूपी पे हैं, यूपी उत्तर प्रदेश में। काफ़ी टाइम के बाद चलने के बाद हम लोग को पहाड़ के पास मोर देखने के लिए मिला और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी भी चलता है इधर और हम लोग चल रहे हैं इस पहाड़ी वादी से। दोस्तों हम लोग सुबह सुबह निकल चुके हैं और आगे चलते रहेंगे जब तक हम लोग अपना मंजिल के पास नहीं पहुँच जाते हैं, तब तक हम तो चलते रहेंगे बिना रुके। आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे हम लोग खाते पीते भी रहते हैं और चलते रहते हैं ऐसे। गाइस अभी यूपी में भैया जी मिल गए थे राइटर, तो चलिए हम लोग चलते हैं जय श्री राम। और हम लोग को दोस्तों भैया लोग के साथ फ़ोटो वगैरह खिंचाए, अब चलते हैं और दिखाते हैं यार आगे का नज़ारे क्या चीज़ देखने को मिलता है। भैया वह साथ फ़ोटो वगैरह खिंचाए, भैया जी अभी बॉर्डर के पास के थे यूपी का, हम लोग उसके मिल गए, काफ़ी अच्छा लगा हम लोग के साथ फ़ोटो वगैरह खिंचाए। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपने यात्रा पे कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि पहाड़ों को वादियों में चलते चलते थक गए हैं वैसे थोड़ा बहुत और पैर तो बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह कर रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग को निकलना ही निकलना है। चलिए हम लोग जाते हैं और दिखाते हैं यार गाइस किस टाइप यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और मॉर्निंग का भी टाइम हो रहा है और वैसे कुछ टाइम टेक आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले धूप नहीं निकल रहा था तो लग रहा था यार बहुत ठंडी लगेगा, लेकिन हम लोग अभी निकल चुके हैं भैया जी के साथ और राइडर भैया लोग अभी जा रहे हैं अपने यात्रा पे, एमटी है उसके पास। तो अभी यहाँ पे गोप्रो वगैरह नहीं लगाए हैं, वहाँ पे जाकर लगाने वाले हैं। चले जाते हैं दोस्तों, इधर भैया जी जा रहे हैं, जय श्री राम। तो गाइस यार यहाँ पे काफ़ी टाइम हम लोग को चलने के बाद यहाँ पे पोस्टर में बहुत ही अच्छा लिखा हुआ था, जीवन में रंग लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ये लाइन मेरे को बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जीवन में संघर्ष कुछ पाना चाहते हो तो कुछ खोना पड़ता है क्योंकि बिना संघर्ष का कुछ मिलता है नहीं है, ऐसा तो प्रभु श्री राम का कहना है जो अयोध्या जो बताया गया था उसमें लिखा गया था पत्र में और पुस्तक में। तो इसी टाइप का हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, देखते हैं दोस्तों यहाँ से अच्छा बन जाएगा तो आप लोग सपोर्ट करिएगा तो पूरा भारत का भी घुमा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग सपोर्ट दिखाइए यार। तो गाइस से यार अभी हम लोग इस जंगल से वादियों से गुजर रहे थे तो आगे हम लोग सोचे यहाँ पे कि साधु नहीं मिलने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे जंगल के पास रुके हुए हैं। और यार अभी हम लोग जंगल ही जंगल लगभग 10 किलोमीटर चल चुके हैं, जंगल ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आगे ख़त्म हो सकता है। और अभी हम लोग चलते चलते सुबह से चल रहे हैं, जंगल ही जंगल आ रहा है यार, हम लोग सोचे आगे कुछ शहरी शहर मिल सकता है, इसी वजह से हम सोचे कि यहाँ पे दातून वगैरह तोड़ लेते हैं। इधर भाई लोग देख सकते हो दातून वगैरह तोड़ रहे हैं और ये हाइबर रोड है, काफ़ी टाइम से गाड़ी चल रहा है। तो गाइस से देखिए हम लोग अभी पहुँचे हैं टोल गेट 1 नंबर। तो हम लोग यार काफ़ी टाइम चलने के बाद जंगल से अभी निकले क्योंकि जंगल बहुत ही बड़ा था यार, 10-15 किलोमीटर जंगल ही जंगल था, ऐसा लग रहा था वहाँ पर कि यहाँ कोई गाँव ही नहीं मिलेगा। तो बहुत टाइम चलने के बाद हम लोग को वहाँ से निकले जंगल से और हम लोग अभी आ चुके हैं घर साइड और गांव साइड, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, हाइवा रोड है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा जगह है, लेकिन
अभी साइकिल वाले भी भैया मिले थे, हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग सुबह 9 बजे निकले हुए हैं। उन लोग का क्या है कि पंचर हो गया था साइकिल, इस वजह से तो हम लोग से आगे आगे जा रहा है। और आगे तो खाते देख रहे होंगे, वहाँ पे कुछ खाने वाले हैं। अरे देखिए इधर का कुछ वादी, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का वादी। यहाँ पे जाते जाते हम लोग के यहाँ लैंग्वेज भी चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ के लैंग्वेज भी अलग तरह से बात किया जाता है। चलने के बाद हम लोग यहाँ पे एक होटल दिखा, ये देखिए भाई लोग आगे आगे जा रहे हैं। हम लोग अभी सिर्फ खाना वगैरह खाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है यार। जो अभी के बज रहा है 11 बज रहा है। चलिए दोस्तों अभी यहाँ पे खाते हैं। तो इधर भाई लोग हैं साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पे खाने वाले हैं खाना, क्योंकि थोड़ा सा विश्राम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि तो गाइस यार यहाँ का देख सकते हो खाना वगैरह का हम लोग तैयारी। तो गाइस यार अभी खाना वगैरह खा चुके हैं रेनकोट से 500 मीटर पे, और अभी खाना वाना खा कर भाई लोग साइकिल यात्रा से कर रहे हैं। तो हम लोग हैं पैदल वाले, चले खाना वगैरह खा चुके हैं। चलिए हम लोग दोस्तों अब निकलते हैं यहाँ से यात्रा पे, क्योंकि हम लोग को अभी बहुत दूर जाना है। चलिए हम लोग इसको पकड़ते हैं, और भाई लोग हैं इधर, पूछते हैं आज कितना चल पाएंगे। कहाँ तक पहुँचोगे भाई आज? आज देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, जहाँ भी पहुँचेंगे वहाँ रुक जाएंगे गाइस रात को, क्योंकि इधर ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, आज 60 किलोमीटर ही चल सकते हैं। अभी अभी आगे जाते हैं, पेट्रोल पंप में नहाएंगे, रुकेंगे, उसके बाद उधर आगे का रास्ता तय करेंगे। तो चलिए चलते हैं। भाई लोग के भाई का चैनल में बने रहिए, ब्लॉग में बने रहिए, वो दिखाएंगे आगे का रास्ता। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग निकलते हैं। ठीक है भाई, जय श्री राम, मिलते हैं फिर। तो गाइस यार अभी भाई लोग जा रहे हैं आगे आगे, क्योंकि हम लोग आज यात्रा कर रहे हैं, यानी कि सब लोग एक ही साथ, क्योंकि ज़्यादा आदमी में अच्छा लगता है, क्योंकि अकेला अकेला जाने में भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अभी खाना वगैरह खा कर सभी लोग एक ही जगह से फिर से निकल रहे हैं यात्रा पे, और हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पे जहाँ पे यानी कि टैक्स काटा जाता है, यानी कि बाहर से देश जो गाड़ी आता है। ये देखिए आगे चलने पर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, और साइकिल वाला भाई लोग भी अभी 60-70 किलोमीटर आज चले जाएंगे उन लोग बोल रहे थे। फिलहाल दोस्तों अभी चलते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या क्या है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अभी काफ़ी टाइम के हम लोग चलने के बाद अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं यहाँ पे वाराणसी। यहाँ से पड़ता है 134 किलोमीटर, और यहाँ पे पड़ता है मिर्ज़ापुर 124 किलोमीटर, और रावर्सगंज 44 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग यानी कि यहाँ से निकल चुके हैं, यानी कि रेनकोट से सुबह सुबह निकल चुके हैं। तो जंगल हम लोग को पड़ा 10-15 किलोमीटर जंगल ही जंगल सुबह सुबह। तो जंगल जस्ट पार होने के बाद हम लोग खाना वगैरह खाए, और अभी कुछ भाई लोग भी मिल गए थे यहाँ पे छत्तीसगढ़ से, वो लोग बोल रहे थे भाई आना छत्तीसगढ़ में फिर मिलते हैं, ऐसे बोल रहा था। ठीक है, मैं बोला चले हम लोग अभी जा रहे हैं, और आगे का क्या यहाँ का सीन है आगे इस वीडियो में दिखाते हैं। तो आप लोग राम भक्त लोग देख रहे हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। गाड़ी से उतर रहे थे तभी एक भैया मिले थे, अभी उसने बोल रहा था कि आप लोग जा रहे हो इतना दूर, अयोध्या आपका मंगलमय हो ऐसा बोला। तो अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा छत्तीसगढ़ में यानी कि ज़्यादा लोग नहीं हैं, लगभग 100 से 150 लोग ही जा रहे हैं, क्योंकि पैदल यात्रा बहुत ही भारी हो सकता है, क्योंकि सभी लोग जा रहे हैं ज़्यादा, उन लोग ज़्यादा जा रहे हैं, उन लोग सभी लोग जा रहे हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ से, उन लोग ट्रेन या बस से जा रहे हैं, लेकिन पैदल यात्रा या साइकिल यात्रा करने वाले बहुत ही कम मिल रहे हैं यार। आप लोगों को बताना चाहूँगा इतना हम लोग कष्ट करने के साथ हम लोग जा रहे हैं यार। आप लोग वीडियो को दोस्तों शेयर नहीं कर रहे हो यार, इसमें थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन बट क्यों नहीं, हम लोग के साथ प्रभु श्री राम जब तक रहेगा तब तक भाई लोग आप सपोर्ट करो या ना करो, हमारे साथ प्रभु श्री राम है, वही काफ़ी है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि हम लोग अयोध्या मंदिर के पास जाकर राम जी के दर्शन करके आए, उसको सभी राम भक्तों के पास पहुंच सके इस वीडियो। तो दोस्तों हम लोग चलते चलते आज का लगभग 8वां 9वां दिन है, और बचा है हम लोग का टाइम सिर्फ 2-3 दिन है, उसमें हम लोग को लगभग 200 किलोमीटर जाना पड़ेगा यार, क्योंकि इस पहाड़ी वादी से चलते चलते बहुत ज़्यादा थकावट भी आता है। लेकिन क्या करें यार, आप लोगों के पास टाइम ही नहीं रहता है कि आप लोग वीडियो को शेयर करोगे, इसी वजह से कहना चाहता हूँ भाई लोग आप सपोर्ट करो या ना करो,
हम तो जाएंगे भाई श्री राम प्रभु के पास 22 तारीख को मिलने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा थकावट भी आ रहा है, क्योंकि क्या है ना दोस्तों कि अभी मैं ज़्यादा खाना वगैरह भी खा चुका था, इसी वजह से ऐसा लग रहा है। बट कोई नहीं, अभी थोड़ा हल्का लग रहा है,